चुनावी बिगुल बज चुका है, शब्दों के बाण भी छोड़े जा रहे हैं, दिग्गजों के दांव भी सामने आ रहे हैं। तो छोटे दलों की दाल कैसे गलेगी, किसके साथ गलेगी, इस पर भी सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। जातीय समीकरणों में जंग अब दलित वोटों को लेकर भी है। एक और बीएसपी अपने दलितों को साधने में जुटी हुई है, तो वहीं इसमें सेंधमारी की कोशिश में एक और दल है जो खुद को दलितों का मसीहा बता रहे हैं, वो है आजाद पार्टी। आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने एक बार फिर से बीएसपी के खात्मे का ऐलान कर दिया है। दलितों से छल और फरेब का आरोप बसपा सुप्रीमो पर लगा रहे हैं, तो वहीं बसपा उनको पूरी तरह से खारिज कर रही है। देखिए, अगर आप बहन जी की बात कर रहे हैं तो समझिए कि 2006 में काशीराम साहब चले गए, पिछली तीन सरकारें उनकी लीडरशिप में चली थी, ये बिल्कुल सत्य है। जो चौथी सरकार जो उन्होंने चलाई उसके बाद वो आप चेक करिए कि वो डाउन में जा रहे हैं। अब कोई लीडर अगर जिस पार्टी की वो लीडरशिप कर रहा है और उसके नेतृत्व में वो पार्टी डाउन में जा रही है तो लोगों का सवाल उठना लाजमी। भाई 2012 हम लोग देख लें, 2014 देख लें, 17 देख लें, 19 देख लें, ऑल ओवर इंडिया में जो वोटिंग परसेंटेज आता था बसपा का वो आप देख लीजिए। दिल्ली में इस बार 1 पॉइंट से भी कम था, पंजाब में पिछली बार 1.5 पॉइंट था, वहां 16% 18% वोट आया, दिल्ली में भी 16% 18% वोट आया, बिहार में भी लगभग यही हाल रहा। तो मैं ये समझता हूं कि उनकी राजनीति में बीएसपी पीछे गई है, इसलिए बीएसपी के लोगों में झटपटाहट। ये लोग तो देखिए कोई कोई किसी को खड़ा कर देता है, कोई ये पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं ना वो तो इस तरह के लोगों को लेकर के आने का काम करेंगी और करती रही, हमेशा से करती रही, कितने आए कितने गए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो जुड़े हैं वो अडिग हैं। सुना आपने, दलित वोटों पर अपनी अपनी दावेदारी है, तो जैसे तैसे इस वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में वार पलटवार। चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी पर अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया, तो बीएसपी ने भी इस सवाल पर पलटवार किया। लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने भविष्य को ध्यान में रखे अपने, कहा ना मैं एक नारा देता हूँ, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता होता है उनसे संघर्ष नहीं होता। तो बीएसपी ने पहले भी बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई और कांग्रेस को भी उन्होंने मध्य प्रदेश में भी समर्थन दिया, उनके साथ मिलकर चुनाव भी लड़े और राजस्थान में भी समर्थन दिया। तो मेरे हिसाब से विचारधारा का मामला है, विचारधारा की लड़ाई है। तो जिनसे राजनीतिक समझौते करने होते हैं या कोई भविष्य का निर्माण होता है तो उस पर आदमी कभी कभी शांत हो जाता है और कभी कभी शांत सीबीआई ईडी के डर से भी हो जाता है। ये सरकार ब्लैकमेल करती है, बीजेपी की सरकार तो ब्लैकमेल करती है, तो तमाम तरह से जिन लोगों सरकार चलाई है उनके मामले उनकी फाइल खोल के रखती है, समय समय पर उनको दिखाती रहती है, तो लोगों को चुप करती रहती है। जब हम लोग जब बीजेपी विपक्ष में थी तब कांग्रेस वाले आरोप लगाते थे कि हम तब बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि हम कांग्रेस से मिले हैं। अब बीजेपी विपक्ष में है तो कांग्रेस वाले और बाकी लोग कहते हैं हम बीजेपी से मिले हैं। अगर हम बीजेपी से मिले हैं तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम क्यों बाहर निकले हुए हैं पूरे। और जहां तक इस तरह के ये प्रचार की मानी बहन जी जो हैं वो करप्शन चार्ज और ये चार्ज और वो चार्ज, तो आपकी नॉलेज में हम ये डाल दें कि इन्होंने भरपूर कोशिश कर ली थी, यही भारतीय जनता पार्टी थी, इन्हीं की सरकार में जब मानी बहन जी ने जब 2003 में सरकार छोड़ दी, ये इनके दबाव में आने से मना कर दिया, तब इन्होंने सारी कोशिशें कर ली सीबीआई से लेके इससे लेके और हर चीज और सब रेट से लेके सब किया उन्होंने। 110 मुकदमे उनके उनके परिवार के ऊपर इन्होंने डालने का काम किया था, लेकिन एक भी मुकदमा आज तक एक भी मुकदमा इस समय पेंडिंग नहीं है। सारे के सारे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय तक इन मामलों से, और ये कहा गया कि इनके ऊपर एक भी करप्शन का एक नए पैसे का भी चार्ज नहीं। 370 की बात कर रहे हैं, 370 में अभी से नहीं, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो स्टैंड उस समय था वो स्टैंड हम लोगों का भी था, तो अगर हमने उसको रखते हुए अपना वोट दिया तो इसमें कोई ये कि इस पार्टी की वजह से किया या उस पार्टी की वजह से किया ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग हर चीज में मुद्दों के हिसाब से करते हैं, हम लोग इसमें नहीं करते हैं कि नहीं हमको विरोध करना है तो अगर कोई ठीक चीज हो रही तो उसका भी विरोध करना है। पार्लियामेंटेरियन की ड्यूटी होती है, हम लोगों की ड्यूटी होती है कि अगर कोई चीज ठीक हो रही है, कोई ठीक मुद्दा है तो उसमें हम उसमें साथ में खड़े हों। और ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है कि नहीं आप सब विरोध में आ जाइए इसमें, चाहे बाद में वो खुद ही पक्ष में आ जाएं, तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग कोई वहां पर सकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बैठे हैं, वहां हम लोग नकारात्मक पॉलिटिक्स करने के लिए बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं बैठी। मसला यहां 22% दलित वोटों का है कि कैसे भी इस वोट बैंक को अपने कब्जे में किया जा सके। वैसे बीजेपी की नजर भी इस वोट पर है,
और पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी इसमें कामयाब भी रही है, फिर चाहे 2014 का चुनाव हो या 17 और 19 का। और इस बार फिर खुद को दलितों की पार्टी कहलाने वाले इन दलों के बीच बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है, और हाल ही में हुए मोदी कैबिनेट विस्तार में 3 दलित सांसदों का शामिल होना इसका सबसे बड़ा संदेश है। सवाल ये है कि अपना जनाधार खोती नजर आती बीएसपी इस बार की चुनावी माहौल में क्या कुछ कर पाएगी। तो वहीं ताल ठोकते आजाद पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद क्या खुद को साबित कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।